नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं कि एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस और आप सबका पेपर थर्ड है कंज्यूमर इकोनॉमिक्स अर्थात उपभोक्ता अर्थशास्त्र। तो आज आप सब उपभोक्ता अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जानने वाले हैं, क्योंकि हर एक उपभोक्ता के लिए ISI का चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और जो उपभोक्ता है, क्रेता है और विक्रेता दोनों के लिए ही ISI का चिन्ह बहुत ही मायने रखता है। तो बच्चों, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसके उपरांत जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके भी बारे में हम आज जानेंगे। तो बच्चों, कह सकते हैं वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें और ध्यान से समझने का प्रयास करें कि जो भारतीय मानक संस्था है उसके क्या कार्य हैं, जो भारतीय मानक संस्था है किस प्रकार से कार्य को करता है, इसके बारे में हम लोग संक्षेप में जानेंगे। तो देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हमारा औद्योगिक तथा व्यापारिक वस्तुओं की गुणवत्ता परीक्षण हेतु मानक बनाना तथा उन्हें लागू करना ताकि वस्तु की गुणवत्ता बनी रहे। जो औद्योगिक, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा, व्यापार कर रहा है, उत्पादन करता, तो उसकी गुणवत्ता की परख ही क्या करता है मानक संस्था, भारतीय मानक संस्था क्या करता है, लागू करता है कि वो मानक बनाता है कि वह वस्तु की गुणवत्ता कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। ठीक, फिर उसके बाद होता है गुणवत्ता तथा मानक परीक्षण हेतु प्रयोगशाला का निर्माण तथा प्रबंधन करना। जैसे कि कोई प्रोडक्ट, कोई उत्पादन करता प्रोडक्ट को सेल करेगा, वो बना रहा है, तो उसका पहले परीक्षण होता है, फिर उसके बाद वो निर्माण कर सकता है, उसके लिए लाइसेंस मिलेगा तभी वो निर्माण कर सकेगा। नेक्स्ट, हमारे उपभोक्ता के विषय के प्रति जागृति उत्पन्न करना। उसके बाद है फोर, हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक संस्थाओं से संबंध बनाए रखना। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो हमारा ISI चिन्ह है इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आज जानेंगे। तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कर दें यारो, क्योंकि आप सब देखते तो हो ही लेकिन लाइक नहीं करते हो। ऐसा क्यों करते हो हमें नहीं पता है, आप सब जानो। तो बच्चों, ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो कह रहा है कि सन 1952 जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके उपरांत सारे नियम, योजनाएं, जो योजनाएं थी सबको लागू किया गया और अपनी अर्थव्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा अपने भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं खंडित हो चुकी थी, तो उसे सुधारने के लिए कई ऐसी योजनाएं लागू की गई। तो देखते हैं क्या है ISI, क्या है। जब 1952 में जब इस संस्था ने काम प्रारंभ किया तो ISI चिन्ह प्रारंभ किया, जब 1952 में कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में ये ISI का चिन्ह लागू हुआ, तो उत्पादनकर्ता अपनी उत्पादित वस्तु हेतु इस चिन्ह को चाहता था। हर एक जो उत्पादनकर्ता था उस समय अपने जो प्रोडक्ट सेल कर रहा था, जो उत्पादनकर्ता जो अपने प्रोडक्ट बना रहा था, उसके लिए वो हम चाहता था कि ISI का चिन्ह उसे भी मिले। तो वह क्या हुआ कि वह इस संस्था को अपने आवेदन पत्र देता था। यदि इस समय भी अगर आप चाहते हैं कोई उत्पादन कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो आपको सबसे पहले लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जिस संस्था में है, जिस संस्था पे कार्य कर रहे हैं, इसी संस्था को एक आवेदन पत्र देता है। यह पत्र संस्था के महानिदेशालय में भेजना पड़ता है। उसके पश्चात वस्तुओं की जांच संस्था के निर्धारित मानकों के आधार पर होती है। वहां पर आपकी वस्तुओं की जांच होगी, यदि वस्तु मानकों को पूरा करती है तो प्रारंभ में एक वर्ष के लिए हेतु उत्पादन का लाइसेंस मिलेगा। सबसे पहले एक वर्ष के लिए लाइसेंस मिलता है। अगर मेडिकल में देखा जाए तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको भी लाइसेंस मिलेगा। और इसके बाद एक वर्ष बाद लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु निदेशालय का इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक होता है कि वस्तु तथा उत्पादनकर्ता समस्त मानक शर्तें कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पादित वस्तु तक पूरी कर रहा है। और फिर भारतीय मानक संस्था की देश भर में 8 प्रयोगशालाएं हैं, जहां पर 26,000 तकनीकी तथा विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं। यह संस्था अपने मानकों को अंतर्राष्ट्रीय तथा यूरोप के मानक स्तरों के समकक्ष रखने का प्रयत्न करती है, ताकि भारतीय जो माल के निर्यात में सुविधा हो। इस संस्था के प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत लघु उद्योग और
को शामिल करने को कोशिश की गई है। लघु उद्योग, आप सब कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में अपने फोर्थ पेपर में पढ़ चुके हैं, ग्रामीण अर्थशास्त्र, सॉरी बच्चों, ग्रामीण समाजशास्त्र में अर्थात रूरल सोशियोलॉजी में। इन उद्योगों हेतु कुछ राज्यों में क्यू चिन्हांकन की योजना प्रारंभ की गई, जैसे ISI का चिन्ह होता है, ठीक उसी प्रकार क्यू का चिन्ह भी होता है लघु उद्योग के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों की इस संस्था का संबंध अंतर्राष्ट्रीयकरण मानक संस्थान तथा अंतर्राष्ट्रीय तकनीक आयोग से भी है। जो उपभोक्ता का ISI चिन्हित वस्तुओं से कोई शिकायत हो तो वह अपने समीपस्थ ISI ऑफिस से संबंध कर सकता है। उसके ISI का ऑफिस होता है, हर सिटी में होता है, वहाँ पर अगर इससे कोई प्रॉब्लम हो रही किसी प्रोडक्ट से किसी, तो आप वहाँ सूचना दे सकते हैं। जैसे अगर दोषयुक्त नमूना है तो भी कह सकते हैं, दोष क्या है बताना पड़ेगा, कहाँ से खरीदा, बिल होना चाहिए, विक्रेता को शिकायत करने पर उसकी प्रतिक्रिया नकली ISI चिन्ह प्रयोग करने पर कानूनी सज़ा भी मिलती है। अगर जो विक्रेता सेल कर रहा है और वो नकली ISI का चिन्ह यूज कर रहा है तो इसके लिए उसे बहुत लंबी सज़ा भी मिल सकती है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं, बहुत तेज़ी के साथ कवर करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 में बहुत सारे अधिकार लागू हुए। उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले वे समस्त वस्तुएं तथा सेवाएं जो मनुष्य के जीवन तथा संपत्ति के लिए हानिकारक हैं उनके विरुद्ध विरोध का अधिकार उपभोक्ता को होता है, और उचित वस्तु को चुनने का अधिकार भी उपभोक्ता को है, और उपभोक्ता को वस्तु की शुद्धता, गुणवत्ता, मूल्य, मात्रा, प्रमाणीकरण की जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। आप सब अगर कुछ भी खरीद रहे हैं, अगर कुरकुरे भी खरीदते हैं तो पीछे लिखा रहता है इसमें इतने प्रतिशत कैल्शियम है, इतना फैट है, वसा है, ये सारे, और मूल्य भी लिखा रहता है, इसमें इतनी मात्रा में ये यूज हुआ है, ये सब लिखा रहता है। आप सब कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, बिस्कुट भी खरीद रहे हैं तो देखना पीछे लिखा रहता है, ओके, वही है। उचित मूल्य पर वस्तु प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। उपभोक्ता को अपने शोषण के विरुद्ध शिकायत करने पर न्याय पाने का अधिकार भी मिलता है। उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। अब इसके नियम जान लेते हैं। उपभोक्ता को सुरक्षा देना है उपभोक्ता संरक्षण के नियम में। यदि उपभोक्ता ठगा जाता है तो उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति करवाना है। उपभोक्ता शिक्षा द्वारा उपभोक्ता को अपने अधिकार तथा कर्तव्य बताना है। अधिनियम के समुचित पालन हेतु केवल नियम बनाना ही काफ़ी नहीं होता है, जिसके लिए नियम बनाया जाता है उसके लिए भी कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं, जैसे वस्तु का उचित मूल्य दें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने अधिकारों का हनन होने पर अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करवाएं। वस्तु का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करें। यदि बाजार में वस्तु की पूर्ति कम है तो सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, ओके। और कुछ लोग हैं तो वस्तु अगर नहीं मिल रही है, कमी है, तो उसके लिए लड़ झगड़ लेते हैं, ऐसा ना करें। आप सहयोगात्मक व्यवहार रखें और प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा का संरक्षण करें। उपभोक्ता द्वारा अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवाने की शर्तें क्या हैं, जैसे कि व्यापारी द्वारा पैकेट पर लिखे या सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने पर इसके लिए पक्का बिल आवश्यक होता है। फिर उसके बाद है सार्वजनिक सेवाओं में कमी होना, खरीदी वस्तु की गुणवत्ता में कमी, व्यापारी का अनुचित व्यवहार, और उपभोक्ता के द्वारा जो शिकायत किए जाने पर क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। वस्तु की कमी दूर करवाई जाती है, खरीदा गया माल बदलवाया जाता है, यदि माल बदला नहीं जा सकता है तो उसकी कीमत वापस कराई जाती है। जिला राजस्व या राष्ट्रीय स्तर की शिकायत पर उपभोक्ता की आर्थिक सहायता क्षतिपूर्ति की जाती है, और अधिनियम के अंतर्गत दोषी को कम से कम 1 माह तथा अधिक से अधिक 3 वर्ष की जेल भी हो सकती है, और 2,000 से लेकर 10,000 रुपये तक आर्थिक दंड भी हो सकता है यदि वो व्यक्ति उपभोक्ता के संरक्षण का नियम जो अधिनियम सन 1986 का लागू हुआ था उसे नहीं पालन करता है, तो ये इस कष्टों का भागी होता है, आर्थिक दंड को प्राप्त करता है। तो आई होप आप सब वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और लाइक भी करते चलें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।